साथ में तो लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है, मैं बता दूं, ये आज या कल में खत्म नहीं होनी है। भाई की मूवी आई है तो साहब देखनी तो पड़ेगी। अरे क्या देखनी पड़ेगी भाई, पैसा वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं देख रहा। जय हिंद दोस्तों। तो ऐसा है कि बैंड बजाने का जो टाइम है ना वो आ चुका है। SSR के साथ जो हुआ वो दोबारा ना हो, ये मेक श्योर आप और हम मिलकर ही करेंगे। और इसी एक कोशिश में अब हम ऐसे सीरीज को चालू कर रहे हैं जिसमें कि हम ऐसी टीवी सीरीज या ऐसी मूवीज की बात करेंगे जो कि एक बहुत अच्छा कंटेंट हमारे सामने लेके आई हैं। प्लस हमको उन मूवीज़ को देखकर ऐसा फील नहीं होगा कि यार हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। प्लस हम ऐसी मूवीज़ के बारे में भी बात करेंगे जिनको देख के हमारा बहुत भयंकर सरदर्द होता है, और बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से रिव्यू करेंगे जो एक इंसान सोचता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आइंदा से ये बात कोई मीडिया में कहे कि भैया ये मूवी अगर आपको देखने जाना है तो आपको अपना दिमाग घर पे रख के जाना पड़ेगा तो ही आप ये मूवी देख सकते हो। क्यों दिमाग घर पे रख के जाना, मतलब मेरे को ये चीज़ हजम नहीं होती। सीधी सी बात है, जब आप अधेड़ उम्र के एक्टर्स की मूवी देखने जाएंगे तो उनको एक्शन सीक्वेंस तो इतने अच्छे से करते बनेंगे नहीं, तो अपना दिमाग आपको घर पे रख के जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ये चीज़ पकड़ लोगे कि ये जो भाई है ये एक्शन सीक्वेंस खुद नहीं कर रहा है, इनका कोई बॉडी डबल है जो एक्शन सीक्वेंस कर रहा है। तो बस उसी फहरिस्त में आज मैं पहला आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ आर्या का। आर्या एक नई टीवी सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसमें कि सुष्मिता सेन लीड एक्ट्रेस है और इसके साथ ही चंद्रचूड़ ने भी वापसी करी है, हालांकि उनकी वापसी सिर्फ पहले एपिसोड तक ही सीमित रह गई। तेज नाम का उनका किरदार है जिसमें कि वो सुष्मिता सेन के पति बने हैं और पहले ही एपिसोड के खत्म होने के तक वो मर जाते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। कहानी इस शो की कुछ इस प्रकार है कि तेज जो है वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की आड़ में अपना थोड़ा सा इल्लीगल धंधा भी कर रहा है, और एक पॉइंट आता है जब उसकी मर्डर कर दिया जाता है, वो पॉइंट पहले एपिसोड में ही आ जाता है। उसके बाद जिस तरीके से सुष्मिता सेन ने अपने आप को इवॉल्व किया है इस पूरी सीरीज में, ये दिखाता है कि वो कितनी ज़्यादा वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि उनको काम आखिर इंडस्ट्री में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इस टीवी सीरीज़ को अपने ही दम पे खींच के ले जा लेती हैं। हालांकि उनके साथ कई सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जैसे कि नमित दास, मनीष चौधरी, विश्वजीत प्रधान, विकास कुमार, ये सब ने एक नंबर उमदा एक्टिंग करी है। और आप इस टीवी सीरीज को देखते देखते, अगर आपको स्लो पेस पसंद है, मैं बता दूं, अगर आपको स्लो पेस पसंद है तो आप इस टीवी सीरीज को देखते देखते एक पॉइंट के बाद खो जाओगे, क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलप किया गया है। एक प्याज की तरह है ये शो कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे इसको काटेंगे, जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे, और भी ज़्यादा परतें आपके सामने आती जाएंगी। आपको ये टीवी सीरीज देखकर ऐसा एक पॉइंट के लिए भी फील नहीं होगा कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, बल्कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपने अगर एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये टीवी सीरीज देखी है तो आपका यहाँ पर पैसा वसूल हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें एक्टिंग दम से भरी गई है, बहुत अच्छी इसमें एक्टिंग करी है लोगों ने, और जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक डच क्राइम सीरीज है पेनोजो, उसका ये ऑफिशियल रीमेक भी कहा जा रहा है, उसके तो कई सारे सीजन आ चुके हैं, और जिस तरह से आर्या की एंडिंग हुई है उस हिसाब से एक बार हमको ये भी लग सकता है कि यार इसके भी आगे चल के और सीजन आ सकते हैं। और जिस तरह का ये सीजन गया है, मैं उम्मीद भी करूंगा कि इसके अगर और भी ज़्यादा सीजन आते हैं तो बहुत अच्छे होगा। इस शो में एक और चीज़ जो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ की गई है वो है पुराने समय के गानों का उस थ्रिलर के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे यूज़ किया जाए, बहुत अच्छे से उसका यूज़ किया गया। जैसे कि खोया खोया चांद या अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, इन गानों का यूज़ किया गया है कि कैसे उस सिनेरियो को आप जज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, एक कॉमिक सीक्वेंस टाइप का उस टाइम पर बना देता है। हमारे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश शोज़ नहीं देख पाते हैं लैंग्वेज बैरियर के कारण, और इंग्लिश शोज़ या बाहर के शोज़ में आपको बता दूं कई शोज़ ऐसे हैं जो बहुत ही उम्दा है, जैसे कि ब्रेकिंग बैड हो गया, या अभी जो नई टीवी सीरीज़ चल रही है डार्क हो गई, ये बहुत अच्छी टीवी सीरीज़ है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण कई लोग नहीं देख पाते हैं। तो आपको आर्या शो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये शो आपको एक फील देगा कि कैसे बाहर के लैंग्वेज वाले टीवी शोज़ होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया गया है पहली बार तो इसको, और उसकी जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है दौलत नाम का किरदार, जिसको कि निभाया है सिकंदर खेर ने, जो कि किरण खेर के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पे इसके पहले कि हम लोग नेपोटिज्म की बात फिर से शुरू करें, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन इसको फिर मूवीज़ क्यों नहीं मिल रही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। क्योंकि देखिए, आर्ट तो आर्ट है, अगर आपको नहीं आती तो हम गाली देंगे आपको, ये बात तो तय है, लेकिन अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो फिर आपको काम क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसा है कि सिकंदर खेर ने इसमें दौलत नाम का किरदार निभाया है और बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, और आपको उस कैरेक्टर से एक पॉइंट के बाद प्यार हो जाएगा कि यार सही है ये बंदा।
लेकिन डायलॉग्स जो हैं इसके बहुत ज्यादा कॉमन है, बट वही बात आ गई कि जो स्टोरी है वो इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि आपका इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा और आप अपने आप को उलझता हुआ पाओगे। प्लस हर एक एपिसोड के एंड में, 9 एपिसोड की ये सीरीज है, हर एक एपिसोड के एंड में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया जाता है जो कि आपको अगला एपिसोड देखने के लिए बाध्य कर देता है कि यार नहीं देखना पड़ेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है जिससे कि ऑडियंस को ये शो बांधने में बहुत हद तक कामयाब हुआ है। अगर इस शो को मैं चंद लाइनों में समअप करना चाहूँ तो आप उसको इस तरीके से समझिए कि ये इस शो में जो भी कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने होके भी आपके सामने नहीं होंगी, तो आप पूरे टाइम गेस करते रहोगे कि यार क्या है, क्या है, क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरे टाइम आपका गेसिंग गेम चलता रहता है जो कि आपको, मैंने फिर वही कहा ना, बांध के रखता है। तो इसलिए ये शो, अगर आप सुष्मिता सेन के फ़ैन हैं जो कि एक मैं भी हूँ, तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि शो को देख के आपको अच्छा ही फील होगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। अब जो लोग ये कहेंगे कि यार हॉटस्टार तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर जाने के लिए हमको पैसे पे करने पड़ेंगे, तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप ये शोज़ देख सकते हो। अब मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मनी तो आप उन रास्तों को भी अपना सकते हो। आखिर में बस धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि आप सभी लोग नेपोटिज्म के खिलाफ मेरी इस जंग में मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मेरा साथ ज़रूर दे रहे हैं और आगे भी आप मेरा साथ यूं ही देते रहिए, क्योंकि इस नेपोटिज्म की जो ये बारीकियाँ हैं ना, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, इसको हम दोनों को मिल के ख़त्म करना है, तो इसलिए साथ में तो लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है, मैं बता दूँ, ये आज या कल में ख़त्म नहीं होनी है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलनी है। तो इसीलिए अगर आगे तक हम लोगों को इन लोगों को एक्सपोज करना है तो हमें इनकी मूवीज़ के बारे में बात अब खुल के करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अरे यार भाई की मूवी आई है तो साहब देखनी तो पड़ेगी, अरे क्या देखनी पड़ेगी भाई, पैसा वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं देख रहा, ऐसे बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही टीवी सीरीज़ के रिव्यू मैं डालता रहूँगा और मूवीज़ के रिव्यू भी डालता रहूँगा जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बहुत हद तक मदद कर पाएंगे। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।